नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्विस कैंसर किसको हो सकता है, कौन रिस्क फैक्टर में आता है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चौड़िया, जेएन गायनेक कैंसर सर्जन हूँ। सो सर्विस कैंसर किस फीमेल्स को हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली एवरी फीमेल इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्विस कैंसर। क्यों? क्योंकि सर्विस कैंसर का जो कॉज है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम HPV बोलते हैं। तो HPV जो है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और एवरी फीमेल को लाइफ टाइम में कभी ना कभी इसका इन्फेक्शन होता है, भले ही वो उसका एक ही पार्टनर हो, कम्प्लीटली वफादार हो, हाइजीन मेंटेन करती हो, फिर भी उसको HPV वायरस होने का रिस्क है। तो इसके लिए एवरी फीमेल पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल कैंसर। बट हालांकि इसमें अगर सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल है, दो से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है, अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्स है, जिसका 12-14 ईयर्स में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गया है इन लोगों को, या ओल्ड पॉपुलेशन जिसमें लॉन्ग टर्म तक सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, तो इनको HPV वायरस होने का रिस्क और उसकी वजह से कैंसर होने का रिस्क हाई रहता है। और इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं उनमें सर्विस कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इनके इनमें इम्यूनिटी भी एक रोल प्ले करती है HPV के लिए। जैसे मैं आपको बताया कि HPV वायरस ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट फीमेल को होता है, लेकिन 10 में से 8 पेशेंट्स में ये अपने आप अपनी नॉर्मल इम्यूनिटी से क्लियर रहता है, और अनफॉर्चुनेटली जिसका स्मोकिंग है उसमें नॉर्मली क्लियर नहीं हो पाता है, इसके लिए उनको ये रिस्क ज़्यादा रहती है। तो आपको सर्विस कैंसर के बारे में और भी कुछ जानना हो तो नीचे लिखे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।